जो इसकी इंटरनेशनल, देखो एक साल की ट्यूशन फी जो है वो 11,500 रुपये, लगभग 12,000 रुपये कैनेडियन डॉलर है। तो कितना प्यारा कोर्स है, कितनी प्यारी शरा। देखो लैम्पटन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे। बट अगर मैं तो आपको दो मेथड बताता हूँ जिससे आप कॉलेजेस को ढूंढ सकते हो। तो पहला तो आप जो सुन बात वही है कि उनकी जो है ना ओंटेरियो का थोड़ा हिसाब है ना वो अपडेटेड नहीं है, मतलब इसलिए बेटर है कि अगर आपको यहाँ पे सारे कॉलेजेस के नाम आने, जितने भी चाहे ओंटेरियो में हो, चाहे वो आपके वैंकूवर में हो, चाहे मतलब ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में हो, मैनिटोबा में हो, किसी भी प्रोविंस में हो, सारे कॉलेजेस आएंगे। बात यह है कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप चूज करो ये कॉलेजेस ना करो, अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपको कनाडा में पढ़ना है तो आप डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स कैसे ढूंढें। सबसे लेमैन, सबसे बढ़िया तरीका आपको बहुत इजी तरीके से समझाने की आज मैं कोशिश करूंगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो कॉलेजेस के बारे में मैं तो आपको दो मेथड बताता हूँ जिससे आप कॉलेजेस को ढूंढ सकते हो। तो पहला तो आप जो सुनते आ रहे हो वो की है ऑन्टेरियो कॉलेज CA की वेबसाइट होती है। यहाँ पे आप कॉलेजेस पर्टिकुलर कोर्स वाइज, पर्टिकुलर फील्ड वाइज, ऑन्टेरियो के जितने भी कॉलेजेस है ना उन कॉलेजेस को आराम से देख सकते हो। दूसरा हमारे पास जो मेथड है वो एक ऐसा मेथड नहीं है जो कि मतलब इसी काम के लिए, बट आप उससे वो काम कर सकते हो और वो बहुत बढ़िया से हो जाएगा उससे काम। जैसे कि हमारे पास नाम क्या है इसका, वेबोमेट्रिक। तो ये वेबोमेट्रिक कैनेडा अगर आप डाल दोगे तो वेबोमेट्रिक कनाडा बेसिकली किसके चीज के लिए, कनाडा में जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंक देखने के लिए है ये चीज, ठीक है। अब आपको मतलब इसमें रैंक दिखी जाएगी और इसमें कनाडा के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। अब हम और डिटेल में इस चीज की बात करते हैं। अब देखो भाई क्या सीन है, तो पहले आपको दो मेथड बताए, अब पहले मेथड की बात करते हैं और उसके बाद इनकी डेप्थ, जो इनकी प्रॉब्लम्स है उनकी भी बात कर लेंगे। देखो प्रोग्राम्स का ये लिंक आया, अब आपके पास यहाँ पे बड़ी सारी फील्ड्स आ गई भाई, आर्ट एंड कल्चर, बिजनेस में चले जाओ, करियर में चले जाओ, कंप्यूटर, कलिनरी, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में क्लिक करके फिर उसकी सब फील्ड में क्लिक करके, सपोज हम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाते हैं, अब इसकी हम सपोज कंप्यूटर साइंस की कोई फील्ड आ रही है इसमें नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाते हैं, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में चले गए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आ गए तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे हम इसके प्रोग्राम को, ये सारे हमारे प्रोग्राम जो हैं इसके अपने आप आ गए, तो ये सारे हमारे जो है ना ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। अब हम कोई भी हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि अपना जो आपकी वो हो ना मतलब आपका लेबल, उस हिसाब से जो है ना फिल्टर लगा लेना। देखो पोस्ट सेक्रेटरीट मतलब 12वीं वाले के बाद, और पोस्ट डिप्लोमा लगभग उसके बाद समझ लेना, जो डिग्री या डिप्लोमा छोटा मोटा कुछ कर रखा हो उसके बाद। पोस्ट सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मतलब 12वीं वाले बाद वाले बच्चों के ये प्रोग्राम्स हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे आप कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज पर्टिकुलर उसका देख रहे हो आप, तो ऐसे ही आप इसमें स्पेशलाइज में जाके भी देख सकते हैं। बाकी कॉलेजेस के, पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिंक पे भी क्लिक करके आप इसमें, सपोज मैं लैम्पटन पे जाता हूँ, लैम्पटन पे आप इसमें देख सकते हो, जैसे सारनिया का इसका आ गया, सारनिया पे आ गया, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स पे क्लिक कर सकते हो। प्रोग्राम्स पे जब क्लिक करोगे तो इसके सारे जो है प्रोग्राम्स आ जाएंगे। सपोज अब हम इसमें एक कोर्स सर्च करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स। अब देखो बिग सॉरी बिग 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 डेटा एनालिटिक्स, सॉरी बिग डेटा एनालिटिक्स अगर हम इसमें कोर्स सर्च करें तो इसमें वो कोर्स नहीं मिलेगा। तो यही एक नुकसान है इसका कि कुछ कुछ कोर्सेज, मतलब मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने देख रखा है इसलिए बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस से नहीं मिलेगा, कि कुछ कुछ कोर्सेज जो है ना इसके अंदर, दोबारा सर्च करते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज जो है ना इसके अंदर नहीं है, कुछ कुछ कॉलेजेस के जो नए कोर्सेज आए हैं, अपडेटेड कोर्स हैं वो नहीं है। सपोज ये जो है मेन कैंपस का दिखा रहा है सारनिया का, शायद इसलिए नहीं है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि एंटायरली इस पे ट्रस्ट करके मत बैठ जाना, एक दो कॉलेजेस, एक दो कोर्सेज ये हो सकता है कि छोड़ दे। मुझे इतना पता है कि इसने बिजनेस एनालिटिक्स भी छोड़ दिया लैम्पटन का, और इसने वो भी छोड़ दिया, क्या कहते हैं तुम्हारा, बिग डेटा एनालिटिक्स भी छोड़ दिया लैम्पटन का, बिजनेस एनालिटिक्स भी छोड़ दिया लैम्पटन का, और एक और कोर्स है जो मेरी नॉलेज में है कि इसने वो भी छोड़ दिया। सपोज हम लैम्पटन लैम्पटन छोड़ो, आप सिंपली हम यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे सर्च आप प्रोग्राम कर सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे भी हम बिजनेस एनालिटिक्स डाल दें, और बिजनेस एनालिटिक्स डालने के बाद हमारे पास ये सर्च रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं कैंपसेस में क्या सर्च करूं, कैंपसेस में उसका ऑप्शन ही नहीं आ रहा, देखो लैम्पटन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा यहाँ पे। बट अगर मैं गूगल पे नॉर्मली डाल दूं कि बिजनेस एनालिटिक्स लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा,
अगर मैं सिंपली ये डालूं, बिग डेटा एनालिटिक्स का भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी ओंटारियो में है पर नहीं आ रहा ना, तो ये भी एक बात है। तो कहने का मतलब यही है, ये जो है ना कुछ कुछ कोर्सेज जो है इसमें नहीं है। अब सपोज मैं एक और कोर्स दिखाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेलिंग सही है, चलो आर्टिफिशियल डाल देते हैं, क्या पता गलत निकल जाए। ठीक है, अब सपोज आर्टिफिशियल हमने डाला, अब आर्टिफिशियल पे एक लॉयलिस्ट कॉलेज में देखते हैं कोर्स है कि नहीं है। अब लॉयलिस्ट कॉलेज तो आ गया, अब लॉयलिस्ट कॉलेज का इसने कोर्स दिखा दिया, अब देखते हैं कौन सा कोर्स ये पर्टिकुलरली दिखा रहा है। देखो लॉयलिस्ट कॉलेज का इन्होंने एक कोर्स दिखा दिया, एक एक साल का इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस का कोर्स है, लोकेशन क्या है, बेवली कैंपस, सिर्फ एक कोर्स दिखाया। अगर मैं आपको लॉयलिस्ट कॉलेज का एक और चीज दिखाऊं, अगर आप लॉयलिस्ट कॉलेज टोरंटो का एक आर्टिफिशियल यहाँ पे टर्म डाल दो, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लॉयलिस्ट कॉलेज आर्टिफिशियल, और साथ में टोरंटो की थोड़ी सी बात लगा दो, वो मैंने खैर लगा दी है, तो मेरे को जो है ना यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है, तब आपको यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डाटा साइंस का लॉयलिस्ट कॉलेज टोरंटो के अंदर एक 2 साल का कोर्स भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉलेज जो है इसमें छोटे पड़े हैं, या जो मेरी नॉलेज में देखो 2 कॉलेज तो आपके सामने आ गए, 3 कोर्सेज आ गए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरा इंटायरली इस पर ट्रस्ट मत आ जाना, ठीक है, बस बात ये है। और दूसरी बात, अब हम दूसरा मेथड क्या दे सकते हैं, तो मतलब बात ये पूरी तसल्ली नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं कॉलेजेस जो है छोड़ रहा, तो तसल्ली जा रही है, तो इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन एक अपने पास ये भी है। अगर आपको कॉलेजेस अच्छे से सर्च करना है तो आप क्या करो, जैसे मैंने तो वेबसाइट डाल रखी है, बट आप क्या कर सकते हो, सिंपली सपोज आपको हम लेके चलते हैं गूगल पे, और जब हम आपको गूगल पे चलाएंगे तो हमारा नेट स्लो चलेगा, फिर उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं स्किप करके दिखाऊंगा। तो आपको सपोज अगर हम लेते हैं गूगल पे, उसके बाद आता है आपको वेबोमेट्रिक, आपको सर्च करना है वेबोमेट्रिक पे डालने के, वेबोमेट्रिक क्या है, वर्ल्ड की बता दिया मैंने, रैंक दिखाता है। सपोज हम कनाडा पे क्लिक करेंगे तो इसमें सारी यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी कनाडा की, और हमने भी सारे जितने भी कॉलेजेस ढूंढे ना अपने इस वेबसाइट से उठा के, हर एक लिंक को उठा के सर्च सर्च करके देख देख के तब इसमें से कोर्सेज निकाले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो सपोज अब ये आपकी पूरी लिस्ट आ गई, अब ये आपके वर्ल्ड के कॉलेजेस हैं, ये वर्ल्ड रैंक चल रही है भाई साहब, समझ रहे हो ना। तो सपोज अब हम एक तो चलते हैं लांगरा कॉलेज में, लांगरा कॉलेज तो किसी भी कॉलेज की जब वेबसाइट खुलेगी लगभग ऐसे ही खुलेगी, तो आपको जो है ना अपने दिमाग को डरवा के सबसे पहले प्रोग्राम एंड कोर्सेज या जहां पे भी प्रोग्राम लिखा हो उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, अप्लाई अप्लाई पे नहीं करना क्योंकि आपको पता ही नहीं प्रोग्राम क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक करते ही आपके पास ऐसे ऑप्शन खुल जाएंगे, आर्ट्स के इतने सारे कोर्स हमारे पास, फिल्म भी बनवाते हैं, बिजनेस के इतने सारे कोर्सेज हमारे पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने सारे कोर्सेज हैं अपने पास, तो ये सारी फूड एंड न्यूट्रिशन के कोर्सेज ये दिखा देंगे। अब आपको जो मर्जी हो वो आपका कोर्स अपना देख लेना और क्लिक कर लेना। सपोज यहाँ पे भी एक डेटा कोर्स है, तो वही है ना, वेबसाइट्स पे तो हमें जाना ही पड़ेगा, ओंटारियो से तो ओंटारियो के कॉलेजेस मिलेंगे, यहाँ पे वेबसाइट से ही हमें जो है सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, और हम ऐसे बिना किसी रेफरेंस के कॉलेजेस को ढूंढने लगेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे यह है कि रैंक का कोई ऐसा मतलब नहीं बैठता, बट रैंक से थोड़ा सा मतलब, एक रेफरेंस के लिए ले लो उसको, कुछ ऐसा कुछ नहीं, रैंक रैंक का चक्कर नहीं होता कुछ, पता नहीं मैंने जो सुना है वो तो यही है कि कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होती अपना, कोई सब बढ़िया कॉलेज है, बट ये कि रेफरेंस लेके सारे कॉलेजेस आ जाते हैं लिस्ट में, लिस्ट है बनी हुई आपकी तो क्या दिक्कत है, लिस्ट में क्लिक क्लिक करते जाओ, अपना कॉलेजेस देखते जाओ। तो भाई ये सिस्टम है, और देख सकते हो कि यहाँ पे कॉलेज आ गया, अब आपके यहाँ पे एडमिशन रिक्वायरमेंट देख सकते हो उसकी, और ये जो है ये पहली बात तो कोर्स जो है वो वाला है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा वाला है, और एडमिशन रिक्वायरमेंट देख सकते हो 4 सेमेस्टर का है, कौन से उसमें ऑफर होता है, जनवरी में होता है, सितंबर में होता है, मई में होता है, ये सारी इसकी स्टार्ट डेट्स होती हैं, फीस देख सकते हो, सारी चीजें जो है ना आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। कि अब सपोज हम कोई और कॉलेज देखते हैं, एक और कॉलेज में दिखाता हूँ आपको बहुत बढ़िया, और जिसमें बहुत बढ़िया एक कोर्स है, उसका नाम है नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज। अभी अपनी नोवा स्कोशिया कम्युनिटी कॉलेज की वो वेबसाइट खुल गई, अब यहाँ पे जो जो ऑप्शन आ रहे हैं एक बार देखते हैं, और यहाँ पे देखो सर्च प्रोग्राम का ऑप्शन आया, और यहाँ पे एक प्रोग्राम कोर्सेज का भी ऑप्शन जो है आया, हमारा माउस जो है चल नहीं रहा पर हम पूरी कोशिश करेंगे इसको चलाने की। तो अब ये हमारे पास जो है सारे प्रोग्राम्स का ऑप्शन आ गया, अब इतने सारे गंदे गंदे इन्होंने छोटी मतलब अच्छी वेबसाइट नहीं लग रही हमें, तो हम फुल A to Z वाली लिस्ट इसमें देख लेंगे, सारे प्रोग्राम जो है हम एक साथ इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे डर लगेगा हमें, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा ना इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो वही है मेहनत लगेगी भाई, देखो मेहनत लगेगी बट ये तसल्ली रहेगी, सब कुछ देख लिया, बढ़िया से देख लिया। और इसमें ये वाली बात नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको यूज मत करो, इसको यूज करो, क्योंकि मेरा तो इसमें घर का कुछ नहीं है ना, बात ये है कि कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप चूज करो ये कॉलेजेस ना करो, अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए, चॉइस आपकी होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, छुपना नहीं चाहिए, मेन बात ये है।
और मे भी थोड़े दिनों बाद अपडेट होने लगे उसमें, बट अभी की बात कर रहे हैं ना हम, तो प्रेजेंट अच्छा करना है, फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स आ गया है, 1 साल का कोर्स है अपना, बढ़िया सा ओवरव्यू वगैरह दिखा रखा। तो इसकी मेन बात जो थी ना, ट्यूशन फी मुझे आपको दिखानी। तो ट्यूशन फी जो है इसकी इंटरनेशनल, देखो 1 साल की ट्यूशन फी जो है वो 11,500 रुपए, लगभग 12,000 रुपए कैनेडियन डॉलर। तो कितना प्यारा कोर्स है, कितनी प्यारी फीस, डिपेंड करता है चॉइसेस। तो वो आगे वीडियो बात करेंगे कैसे ऑफर लेटर को चूज करें, कौन से ऑफर लेटर आपको लेना चाहिए, किस कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए, ये अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं उसमें बात करेंगे। तो ऐसे ही इसमें सारी जो है रैंक वाइज प्रॉपर है, और हर कॉलेज की आप वेबसाइट पे जाके उसके प्रोग्राम पे क्लिक कर सकते हो और उसके प्रोग्राम प्रॉपरली आप जो है चेक कर सकते हो। जैसे फ्लेमिंग कॉलेज का ऑप्शन आ गया, आप इसमें देखो नीचे जाओगे क्विक लिंक्स में देख ले, अगर यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स आ गए, फाइनेंशियल एड ये और प्रोग्राम ए टू जेड का लिंक आ गया, तो उस पे भी आप जा सकते हो। अब ऐसे ही जैसे यहाँ पे कॉलेजेस है ना, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी है, तो आप यूनिवर्सिटीज के भी ना लिंक आराम से चेक कर सकते हो बैठ के। उसमें भी आप जा जाके देखो रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो यूनिवर्सिटीज का तो आप प्रॉपर डिफरेंस देखना, उसमें यही है कि भाई 4 साल तो चाहिए होती है अगर आपको मास्टर्स करनी है यूनिवर्सिटीज को, और 12th के बाद वाला बच्चा तो कर ही सकता है उसके नंबर ठीक ठाक हो तो, और मास्टर्स में करनी है और उसके 75% से अब होने चाहिए अगर मास्टर्स करनी है, थोड़ा सा ये वाला सीन बैठता है। तो वो आप यहाँ बहुत सारी प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटीज है वर्ल्ड रैंक, जैसे देखो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की जो है वर्ल्ड रैंक 17 है, ऐसे करके आप इसको अच्छे से देख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो, मेहनत को प्लीज थोड़ा सा अप्रिशिएट हो जाती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू, बाय।